Now we have question number 65. Evaluate summation r equal to 1 to n 3 to the power r minus 2 to the power r. So हमें इसे find करना है, ठीक है? Summation r equal to 1 to n 3 to the power r minus 2 to the power r. इसको open करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 to the power 1 minus 2 to the power 1 plus 3 to the power 2 minus 2 to the power 2. So on up to 3 to the power n minus 2 to the power n. So इसको ओपन करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है? Now हम क्या करेंगे, जो 3 वाले टर्म्स हैं इन्हें एक साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus 3 to the power 3 up to 3 to the power n. एंड जो ये 2 वाले टर्म्स हैं इन्हें एक साथ लिखेंगे, माइनस कॉमन लिया, सो ये आएगा 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 अप टू 2 टू द पावर n. अब देखो हमारे पास क्या है, दो जीपी आ गई, एक जीपी ये है एक जीपी ये है, दोनों में सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे. इसमें देखो जीपी का फॉर्मूला होता है अपने पास Sn इक्वल टू है a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. नाउ इसमें देखो a इक्वल टू है 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू आर, मतलब कॉमन रेशियो है 3, ठीक है? सो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन माइनस, इसमें देखो a इक्वल टू है 2, फर्स्ट टर्म है 2, सो 2 इंटू एंड कॉमन रेशियो आर है 2, सो याद आएगा 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. सो इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, सो याद आएगा 3 टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 2 टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 1 डेट इज 1. Now, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 3, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 4. सो नाउ वी गेट 1 बाई 2 3 टू द पावर एन प्लस 1, देखो माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर एन प्लस 1, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, सो ये आ जाएगा माइनस 2 की पावर एन प्लस 2 एंड दिस माइनस 3 एंड ये जो माइनस साइन है वो अंदर जाएगा, सो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? सो प्लस 2 देन इंटू 2, सो आ जाएगा प्लस 4. नाउ प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 1. सो दिस इज द आंसर.